ऑल असलर्स वेलकम टू माई चैनल एम सी क्यूज़ फॉर यू तो दोस्तों हम फोर पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं एस एस टी जर्नल के पेपर के जो कल ही के दिन ईटा के थ्रू एक्सफाटा मस्ट डिस्ट्रिक्ट के लिए लिया गया है और राउंड अबाउट सेवनटी थ्री क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड तो अभी क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फ़ोर से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटी फोर में पूछ रहे इन विच लैंग्वेज शाह वली ट्रांसलेटेड दी होली कुरान ई टाइम एम सी के बार बार रिपीट हो रहा है तो शाह साहब ने कुरान पाक की सबसे पहले जो तर्जुमा की थी तर्जमा उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में की थी ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन इस तरह क्वेश्चन नंबर सेवनटी फाइव में ये पूछ रहे ऑब्जर्वेशन observation or one's own behavior by looking inward is known as the method of introspection option b option b is the correct option is there a question number 76 the ability to think abstractly and symmetrically solve problem emerges during option a is the correct option can create operational स्टेज uh, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज लगाया हुआ है मुझे भी कुछ एम सी क्यू इतराज़ इस पर आया हुआ है कि नहीं ये करेक्ट नहीं है बी करेक्ट है लेकिन ये मैं आपको दिखा देता हूँ ये यहाँ से एम सी क्यू उठाया गया है ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है इसमें यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर एट दिए एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड इन सॉल्व प्रॉब्लम इमर्ज ड्यूरिंग तो जब मैंने टिक किया ऑप्शन ए आपको दिखाई दे रहा है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज तो उन्होंने ये टिक कर दिया कि दिस इज दी करेक्ट आंसर तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है ये ऑप्शन ए है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज बढ़ते हैं वीडियो की तरफ वापस जी बिल्कुल तो फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स को दी एबिलिटी टू थिंक एब्रिकली इन सिमेट्रिकली सॉल्व प्रॉब्लम इमर्ज ड्यूरिंग दी ऑप्शन ए कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज इज दी करेक्ट ऑप्शन इस तरह क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन इट इज़ फुलिश टू डिश एस्टैब्लिश टीशन ये जो अहमकाना बात होगी अपने रवायात को इस्टेब्लिश रखे कायम रखे तो यहाँ पे जो है आइडियम्स का पूछ रहे कि कौन सा आइडियम यहाँ पे करेक्ट आ रहा है तो यहाँ पे आई थिंक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नॉक द बोटम आउट ऑफ़ या फिर ये जो है करेक्ट आ रहा है और इसका मतलब जो है ये है टू समर्ली इफेक्टेड इस चीज़ को आप सीवियरलीफेक्ट करते हैं तो ये अहमकाना होगी कि हम बनाए हुए ट्रडिशन को अफेक्ट करें सीवियरलीफेक्ट करें या फिर दिस इज़ दी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑप्शन नॉक द बोट आउट ऑफ इस्टेबलिश ट्रडिशन इस क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट में ये पूछ रहे शाहक द ज्यू वॉज अ करेक्टर इन प्ले इन प्ले द मर्चेंट ऑफ विंस बाई शेक्सपियर ये शेक्सपियर ने एक नावल इसको कह दिया ड्रामा कह दिया लिटरेचर की ज़ुबान में जो भी इसको कहते हैं ये एक लिखी है और इसमें शेल का जो करेक्टर था ये किस किस था इन प्ले ऑफ मर्चेंट ऑफ विंस ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन इस तरह क्वेश्चन नंबर 79 नाइन वट डू मीन बाई इमेजनरी करेक्ट आंसर यहाँ पर चूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर इमेजनरी के साथ रिलेटेड आंसर जो आ रहा है ये लैंग्वेज परिसीव थ्रू सैंस आप लैंग्वेज को साइंस के थ्रू परसीव कर रहे हैं ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट ऑप्शन और इस तरह क्वेश्चन नंबर एट ही विच इज़ द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर के कई पीरियड्स हैं अब तक बाज़ ने आठ लिखे ने सात लिखे लेकिन आठ से भी अभी ज़्यादा हैं तो ये मैं एक पिक्चर से आपको दिखा देता हूँ कि शॉर्टेस्ट कौन सा पीरियड आ रहा है अब तक इंग्लिश लिटरेचर की जो हिस्ट्री है वो इस पेज में आप देख सकते हैं द ओल्ड इंग्लिश ये जो है 450 एडी से शुरू हुआ लेकिन ऑप्शन में जो हमें दिए गए हैं आप थ्री नंबर को देखिए रिनाइजेंस पीरियड ये 1500 से 16 साल सोलह सौ सो साल तक है मतलब एक पूरा 100 हंड्रेड ईयर पे ये मुश्तमल है एक साल सौ साल पे इस रिक्वेस्ट क्वेश्चन इसके बाद नीचे आप देखिए ये रेस्टोरेशन पीरियड चट्टा के में नंबर पे है रेस्टोरेशन पीरियड 1660 से 1700 तक मीन सिर्फ 40 साल पे ये मुहित है तो ये 40 हो गया ऊपर वाला सौ था ये 40 हो गया ये शॉर्टेस्ट आ रहा है इसके बाद रोमांटिक पीरियड को आप देखें ये सत्रह से आठ सौ तीस ये पैंतालीस आ रहा है तो ये भी ग्रेटर हो गया अब तक हमारे पास करेक्ट जो है पीरियड रिस्टोरेशन पीरियड ही है विक्टोरियन पीरियड को आप देखिए 1830 से 1901 तक आ रहा है ये तो इकहत्तर साल हो गए तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है रिस्टोरेशन पीरियड आ रहा है क्योंकि ये सिर्फ 40 साल पे है जबकि रोमांटिक जो है ये 45 है तो 40 साल वाला शॉर्टेस्ट पीरियड होगा रेस्टोरेशन पीरियड इज़ दि शॉर्टेस्ट पीरियड वापस क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जी बिल्कुल आप यहाँ पे देख सकते हो विच इज़ द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन रेस्टोरेशन पीरियड इस तरह क्वेश्चन नंबर एटी वन शी वेंट होम एंड सेट ऑन हर कम्फर्ट ओल्ड वुडन सोफा यहां पे ऑप्शन डी करेक्ट आ रहा है बाकी जो है इसके साथ मेल मिलाप इसका नहीं हो रहा इस तरह क्वेश्चन नंबर एटी टू आई वुड रिलैक्स द रूल If आई were the हेड ऑफ़ the कंपनी मैं कंपनी का मालिक होता तो रिलैक्सेशन दे देता रूल्स में कि ये कौन सा कंडीशनल सेंटेंस है कंडीशनल सेंटेंस की कुछ कंडीशन होते हैं ये जो है कंडीशनल टू है जिसमें हम पास्ट के मतलब बात कर रहे होते कंडीशनल टू ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन और इस तरह क्वेश्चन नंबर एटी थ्री आई हैव स्टिल एफ यू इफ़ के मैनी सम मेरे कुछ फ्रेंड्स अभी बाकी है जिनकी हेल्प मैंने अभी करनी है तो ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट ऑप्शन आई हैव स्टिल एफ यू फ्रेंड्स लेफ टू अप्रोच फॉर हेल्प इसी तरह क्वेश्चन नंबर एटी फोर ही सेट टू हर विच बुक्स डिड यू बाई फ्राम दिस शॉप जब पे बाई इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपने क्या करना है एक पॉइंट आपने नोट करनी है कन्वर्जन पॉइंट आपने नोट करनी है अब यहाँ पे दिस यूज़ हुआ है तो दिस को हमने दैट में कन्वर्ट करना है तो अब देर देखें देर तकरीबन हर जुमले में आया हुआ है लेकिन यहाँ पे अब अगर डिट को देखें तो डेड जो है ये पास्ट में है और इस पास्ट को हमने पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे देखें ऑप्शन सी को आप देखें ही आस्ट हर विच बुक्स हैड बॉट हैड यहाँ पे लेगा हुआ तो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट ऑप्शन हैड बॉड फ्रॉम दैट शॉप ऑप्शन सी इज दी करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर हिस इंडोवर प्रूव फ्रूटफुल जो इंडोवर उन्होंने की थी वो फ्रूटफुल साबित हो गई तो फ्रूटफुल के अपोजिट जो वर्ड है वो फ्रोटाइल है फोटाइल ऑप्शन डी इज दी करेक्ट ऑप्शन नंबर एटी सिक्स लुक ऑन माई वर्क ये माइट एन डिस ये जो है पूछ रहे इसके मतलब फ्रॉम विच पॉइंट दिस लाइन ये किस पॉइंट से लिए गए तो ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ये लाइन जो है ये ऑप्शन सी इस पॉइंट से लिए गए हैं ये लाइन इस पॉइंट से लिया गया है अच्छा जी क्वेश्चन नंबर एटी सेवन माई टीचर हैज़ आइज इन द बैक ऑफ हर हैड तो ये आइडियम ज्यादा करेक्ट आ रहा है लेकिन हाईपरब इसको भी आप देख लें हाइपर बोल के दायरे में भी आ सकता है लेकिन मैं इसको फ़िलहाल ऑप्शन डी आई डी इसको करेक्ट कर लेता हूं लेकिन ये आप देख लें और इस तरह क्वेश्चन नंबर एट जो है इसमें गलती है ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें सूरह नहीं है क्योंकि ये सूर इसरा सूर इसरा आया नंबर एटी वन ये इक्सी नंबर व आया है सूर्य इसरा का तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं सर क्वेश्चन नंबर एटी नाइन में ये पूछ रहे हैं अली वेट 25 पाउंड मोर देन अकरम अली और अकरम की जो कंबाइन वेट है वो 205 दी गई है और अली की वेट 25 गुना उससे ज़्यादा है तो ये एक पेज पे मैंने हल किया है इसको मैं आपको बता देता हूँ आपके साथ शेयर कर लेता हूँ यहाँ से नोट कर लेते हैं अली और अकरम का वेट दिया गया है तो हमने कर लिया है लेट अक्रम वेट इसक्रम का वेट जो है एक्स हो गया अली का पच्चीस मोर uh, हैं तो इसके साथ हमने 25 ऐड कर लिया अली का वेट क्या हो गया फिर x प्लस ट्वेंटी फाइव हो गया अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन गिवन कंडीशन के मुताबिक हमने इक्वेशन बनानी है तो अली और अकरम के वेट को मिला के टोटल कितना बना है 205 तो x प्लस एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू टू अब x को हमने दोनों x को जमा कर लिया है तो ये टू एक्स हो गया पच्चीस इसके साथ लग गया और इक्वल टू दो सौ पाँच अब हमने पच्चीस को उस साइड पे कनो ले कर जाना है तो जब वो आपसे माइनस होगा तो वन एटी आएगा टू एक्स इज एक टू वन एटी अब एक्स हमने टू भी रिमूव कर लिया एलिमिनेट करना है तो वन एटी को टू पे डिवाइड कर लेंगे तो एक्स की वैल्यू हमारे पास नाइन्टी आ गई अब एक्स किस की है एक्स अक्रम की है तो एक्स मीन अकरम की जो एज है वो नाइन्टी आ गई अब अकरम से अली जो है पच्चीस मोर है तो इसी नाइन्टी के साथ आपने पच्चीस और जमा कर ले से नंबर इक्वेशन को आप देख लेट ले, एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव तो एक्स की वैल्यू आप 90 पोर्ट कर ले पच्चीस के साथ जमा कर ले तो ये एक सौ पंद्रह आ जाएगा तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है एक सौ पंद्रह है ऑप्शन में देख लेते हैं जी क्वेश्चन नंबर 89 नाइन तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन और इस तरह क्वेश्चन नंबर 90 वन ओवर फोर ऑफ अ नंबर इज 12 तो हम उस नंबर को एक्स कंसिडर कर लेते हैं तो यहाँ पे करेक्ट करेक्ट ऑप्शन जो है ये 27 आ रहा है मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको एक पेज पे सॉल्व करके जी आप यहाँ पे देख सकते हैं फोर ओवर नाइन ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ट्वेल्व तो नाइन को हमने उस साइड पे शिफ्ट कर दिया और फोर भी शिफ्ट हो जाएगा तो ये नीचे थर्ड स्टेप पे आप देखिए एक्स इज़ इक्वल टू ट्वेल्ल्व मल्टीप्लाइड नाइन डिवाइड बाई फोर फोर और ट्वेल्व आपस में कट जाएंगे तो थ्री आ जाएगा थ्री को नाइन से मल्टीप्लाई कर लिया ट्वेंटी तो सेवन यहाँ पे गलती हमसे हमने थर्टी सिक्स लिखा था लेकिन फिर बाद में करेक्शन कर ली ट्वेंटी सेवन इज़ दी करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर नाइनटी में ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑप्शन इस तरह क्वेश्चन नंबर नाइनटी वन में पूछ रहे बेल रोबिन इज अलो कलर कम्पाउंड दट ऑकर्ड नॉर्मल मेटाबॉलिज्म तो ये रेड ब्लड सेल्स की जब ब्रेक डाउन होती है उसमें हीमोग्लोबिन होता है हीमोग्लोबिन के डिस्ट्रक्शन से या कैटाबॉलिक पाथवे से जो है रोबिन बनती है ऑप्शन ए इज दी करेक्ट ऑप्शन इस तरह क्वेश्चन नंबर नाइनटी टू में ये पूछ रहे द वर्ड रैनल इज यूज फॉर किडनी ये किडनी के लिए वर्ड यूज होता है बाकी जो आठ है आर्टमसी इसको फिर सिक्स पार्ट में अपलोड करेंगे थैंक यू सो मच फॉर वॉच Thank you.